आर योर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये इम्प्रूव सेशन डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए. इम्प्रूव सेशन क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ उसको चेक करो. इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, और मुझे लगता है आपको करना भी चाहिए, तो आप क्या करो, हमारे वेबसाइट पर जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, सो दैट हम आपको उसमें ऐड कर सके. चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं. वैसे अगर लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पर उसकी डेफिनेशन अलग अलग नहीं होनी चाहिए. सीधी सी बात है कि अगर आप पेन एक बार चलाओगे तो वो चलता ही रहे, बीच में उठाना ना पड़े, ठीक है. बट मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली जब हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम दो तरीके से चेक करते हैं. एक तो होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम इसी को देखेंगे. और दूसरा होता है कि किसी पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करना, वो हम बाद में देखेंगे. पहले हम क्या देखने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना, क्योंकि अगर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना आ गया तो इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करना अपने आप ही आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी तो हम कैसे कर पाएंगे. तो जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन है, ये है सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, और मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि x इक्वल टू a पे, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था. तो मैं क्या बोलूँगा कि हम यहाँ पे चेक करेंगे दो तीन चीज़ें. क्या क्या चेक करेंगे, एक तो हम चेक करेंगे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि लेफ्ट साइड का टेंडेंसी. दूसरा हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी कि राइट हैंड का टेंडेंसी. और ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद हम चेक करेंगे फंक्शन का वैल्यू. अगर ऐसा होता है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों इक्वल है एंड फाइनाइट है, तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है. लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, वो हो जाता है अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखना होगा तो इट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ये चेक करोगे. राइट हैंड लिमिट भी आपको पता है, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये भी पता है आपको. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो गया. फंक्शन का वैल्यू तो आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो, और अगर ये तीनों फाइनाइट आते हैं और तीनों ही इक्वल आते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए. अगर इन अच्छा इनमें से कोई भी कंडीशन गड़बड़ हो गई, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, या ये दोनों इक्वल नहीं है, या वैल्यू फाइनाइट नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहने वाला है. अभी ग्राफिकली इस बात को भी हम समझेंगे, बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करना है, फंक्शन का वैल्यू चेक करना है, सब इक्वल और फाइनाइट होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. अच्छा, कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं कि x इक्वल टू a जो है वो बाउंड्री पॉइंट बन जाता है, मतलब किसी बाउंड्री पे होता है, जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. तो ऐसे केसेस में क्या करूँगा, सिंपल सी बात है कि लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन का वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट, अगर ये वाला बाउंड्री पॉइंट है, मतलब फंक्शन यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, और अगर फंक्शन वहां पे एंड हो रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन का वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब उससे जस्ट पहले वाला ये वाला वैल्यू चेक करेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद वाला वैल्यू यानी कि ये वाला वैल्यू चेक करेंगे. तो ये दोनों इक्वल है और फाइनाइट है, यहां पे ये दोनों इक्वल है और फाइनाइट है तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. इस बात को बहुत ध्यान से समझते जाओ. इसको हम बोलते हैं कि वन साइडेड अप्रोप्रिएट लिमिट मस्ट बी चेक्ड If x equal to a is a boundary point. तो जब भी continuity किसी point पे check करनी होगी तो हम ये काम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है. बिल्कुल basic definition है continuity में, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमें बहुत depth में जाकर के समझनी पड़ेंगी, बहुत basic सी चीज़ें. तो और यूज़ होता है इसमें लिमिट्स का, ग्राफ का. अगर आपको ग्राफ आते होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, लिमिट्स आते होंगे तो भी बहुत अच्छे से कर सकते हो. जैसे अभी मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ. यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है, पहले मैं ये पार्ट हटा देता हूँ. आई थिंक आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. किसी को भी कोई डाउट आते हैं यार तो कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर पूछते रहना. ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ यहाँ से,
ये पार्ट मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या लिखा है. तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो कभी कभी फंक्शन इस तरीके से लिखे जाते हैं जैसे मैंने लिख रखा है. मैंने उसको अलग अलग डेफिनेशन में लिख रखा है कि जीरो से पाई बाई फोर होगा तो पहला डेफिनेशन फॉलो करेगा, पाई बाई फोर से पाई बाई टू होगा तो दूसरा डेफिनेशन फॉलो करेगा, पाई बाई टू से पाई होगा तो तीसरा डेफिनेशन फॉलो करेगा. और सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फंक्शन के डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस भी हो सकते हैं. क्यों चांसेस हो सकते हैं? जैसे पाई बाई फोर से पहले इसको फॉलो कर रहा है तो ग्राफ कुछ और हुआ, पाई बाई फोर के बाद इसको फॉलो कर रहा है तो ग्राफ कुछ और हो गया, पाई बाई टू के पहले ये फॉलो कर रहा है तो ग्राफ अलग है, पाई बाई टू के बाद ग्राफ अलग हो सकता है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है. पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये तो पूरी डेफिनेशन दी हुई है, इसके साथ में बीच में ए और बी भी दिया हुआ है, जैसे एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स, दूसरी डेफिनेशन में टू एक्स कॉट एक्स प्लस बी, और थर्ड में ए कॉस टू एक्स माइनस बी साइन एक्स. वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वैल्यू लिखा हुआ है मैंने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर एंड पाई बाय टू. यानी वो पहले से ही बता रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. कहाँ कंटिन्यूअस है? पाई बाय फोर पे और पाई बाय टू पे कंटिन्यूअस है. और जब इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है. तो चलो हम इस पे काम करना शुरू करते हैं. अगर फंक्शन पाई बाय फोर पे कंटिन्यूअस है, पहले पॉइंट ले लेते हैं एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, अगर तो वो पाई बाय फोर पे कंटिन्यूअस है तो डेफिनेट सी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम होगा ही होगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से आएगी? पाई बाई फोर के जस्ट पहले वाली डेफिनेशन यहाँ से आनी चाहिए. तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे होंगे तो हम बोलेंगे इट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ पाई बाई फोर माइनस एच. तो क्या करूँ, ये तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वाला ही क्वेश्चन दिखाई भी पड़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हमें कुछ करना है नहीं. तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि जहाँ पे भी x दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे पाई बाई फोर माइनस एच डाल दो, और यहाँ ए रूट टू साइन पाई बाई फोर माइनस एच. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है यार, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है, लेकिन आगे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनते हैं तो हमें उनको भी सॉल्व करना होगा. बट यहाँ पे तो हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से ही कर सकते हैं. तो h का वैल्यू डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करोगे तो पाई बाई फोर, ये ए रूट टू, यहाँ पे एच का वैल्यू जीरो करोगे तो साइन पाई बाई फोर इज वन बाई रूट टू, तो हमें क्या मिलेगा? पाई बाई फोर प्लस ए. ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट. इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो डेफिनेट सी बात है कि राइट हैंड लिमिट लो या फंक्शन का वैल्यू लो, दो चीज़ें कोई ले लो उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि कंटिन्यूस है. तो अगर हम पाई बाई फोर देखेंगे तो पाई बाई फोर यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, यहाँ इंक्लूड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालने के बजाय फंक्शन का वैल्यू ही निकाल लेते हैं पाई बाई फोर पे. तो पाई बाई फोर जब यहाँ पे डालोगे तो आएगा टू इंटू पाई बाई फोर कॉट पाई बाई फोर इज वन प्लस बी, तो हमें क्या मिलेगा? पाई बाई टू प्लस बी. और हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, डेफिनेट सी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए. तो आ जाएगा पाई बाई फोर प्लस ए इक्वल टू पाई बाई टू प्लस बी, तो ए माइनस बी कैन बी रिटन एज पाई बाई फोर. ये आ गया हमारे पास इक्वेशन वन. अब जैसे हम लोगों ने x इक्वल टू पाई बाई फोर पे कैलकुलेशन किया था वैसे ही हम x इक्वल टू पाई बाई टू के लिए कैलकुलेशन करेंगे. तो पाई बाई टू के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों इसी से ही मिलने वाले हैं, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का वैल्यू निकाल लेता हूँ पाई बाई टू पे. फंक्शन का वैल्यू पाई बाई टू पे निकालूंगा तो मुझे पाई बाई टू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो इट विल बी टू इंटू पाई बाई टू इंटू कॉट पाई बाई टू. अब मुझे बताओ कॉट पाई बाई टू क्या होता है? कॉट पाई बाई टू होता है जीरो प्लस बी, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगा बी ओनली. और फिर हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं यहाँ से. तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए जाएंगे तो हम बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच. तो जब आप वो कैलकुलेट करोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे पाई बाई टू प्लस एच डाल दो तो ये आ जाएगा टू इंटू पाई बाई टू, तो इट विल बी पाई प्लस टू एच माइनस बी साइन पाई बाई टू प्लस एच. अब एच का वैल्यू जीरो डालोगे यहाँ पे तो ए कॉस पाई दैट इज माइनस ए, एंड साइन पाई बाई टू हो जाएगा वन तो माइनस बी. अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, सो इट विल बी ए इक्वल टू माइनस टू बी. ये आ गया इक्वेशन नंबर टू. अगर इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करोगे तो ए और बी के वैल्यूज हमें मिल जाएंगे. ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन था जो जेई में आया था, बट अब आजकल बोर्ड्स में आता है ये क्वेश्चन,
और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी पिक किया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, आपको दो पॉइंट मिल रहे थे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था। हाँ, बस इसमें एक चीज़ थोड़ी मिसिंग थी कि यहाँ पे इंडिटर्मिनेट फॉर्म देखने को नहीं मिला, बट और क्वेश्चन करोगे तो आपको इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी देखने को मिल सकते हैं। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टीन्यूटी अगर किसी एक पॉइंट पर चेक करनी हो तो हम कैसे चेक करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं डिसकॉन्टीन्यूटी पे, कि डिसकॉन्टीन्यूटी कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डिसकंटिन्यूटी कैसे कैसे होती है। यार डिसकंटिन्यूटी देखने की अलग अलग बुक्स में देखोगे तो अलग अलग मेथड बताते हैं। यार अभी हम लोग उनमें से जो एक मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि एक है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और दूसरा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड में आगे जाकर के देखोगे तो रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल हम बताते हैं। कहीं कहीं पे यहीं से ही स्टार्ट किया जाता है क्योंकि ये वाला डिसकंटिन्यूटी तो हमेशा ही नॉन रिमूवेबल रहता है, ये हमेशा याद रखना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने जो दो ये क्लासिफिकेशन किए इसमें रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल डाले, या कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड डालो और बाद में ये डिसाइड कर लो कि क्या क्या होने वाला है, ऐसा डिविजन कर लो, बट ये हमेशा याद रखना है कि नॉन रिमूवेबल ही रहता है। अब डिसकंटिन्यूटी और फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड हम कैसे बना रहे हैं। फर्स्ट काइंड में हम क्या बोल रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट वैल्यू ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि दिस इज द केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट या दोनों भी हो जाए, मतलब मैं बोलूँ एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL इज इनफाइनाइट, अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों भी इनफाइनाइट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड का केस और डेफिनेटली नॉन रिमूवेबल होगा, ये बात याद रखना। इस पर हम बाद में चलेंगे, पहले और इसी को ही देखते हैं और इसी को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट। अब यहाँ पे दो अलग अलग केस हो गए, एक केस है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का और दूसरा केस है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के केस में ये हमें ऑलरेडी पता है कि फाइनाइट वैल्यू ले रहे हैं, अगर LHL और RHL इक्वल है तो रिमूवेबल होगा और अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है तो नॉन रिमूवेबल होगा। देखते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। यहाँ पे दो और केसेस बनते हैं रिमूवेबल में। पहला होता है मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इसको समझो। सपोज कोई ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा यहां पे क्या है, x इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब पॉइंट मिस हो गया है यहां से। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे LHL एंड RHL, ये तो मैं पहले ही पता है कि इक्वल है तो वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर हो गया, पॉइंट मिस हो गया है। रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पे अगर हम डेफिनेशन बना दें तो ये डिसकंटिन्यूटी आराम से रिमूव की जा सकती है। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, यहां पे क्या होगा कि LHL और RHL तो इक्वल होगा, फंक्शन का वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट जहां पे करना चाहिए वहां नहीं कर रहा है, कहीं और ऊपर शिफ्ट हो गया, यहां आ गया है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अगर हम देखेंगे तो दोनों एक ही पॉइंट की तरफ टेंड कर रहे हैं, वो ये वाला पॉइंट है, बट फंक्शन का वैल्यू कहीं और चला गया। मतलब ऐसे केस में क्या होता है कि फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट तो करता है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर इस एक पॉइंट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया जाए, पॉइंट आइसोलेट हो गया, इसको चेंज कर दिया जाए तो डिसकंटिन्यूटी आराम से रिमूव हो जाएगी, ऐसा किया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का केसेस। यहाँ पे क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बट एक केस में फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और दूसरे केस में एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वल वैल्यू नहीं ले रहा है। अच्छा, अब इस केस पे आते हैं जो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट तो है बट इक्वल नहीं है, इसको समझते हैं ध्यान से। ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हम समझेंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा कि ऐसा हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ये है x इक्वल टू ए और ये दूसरा ग्राफ बना दिया। हो सकता है फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर भी रहा हो या नहीं भी कर रहा हो, फंक्शन के वैल्यू से वैसे भी हमें कुछ अभी लेना देना नहीं है। यहाँ पे तो हमारी कंडीशन इसमें आ गई है कि लेफ्ट साइड से फंक्शन किसी अलग पॉइंट की तरफ जा रहा है, किसी अलग वैल्यू की तरफ, और राइट साइड से किसी और वैल्यू की तरफ जा रहा है, मतलब कि LHL और RHL दोनों भी इक्वल नहीं है। तो अब इसको नॉन रिमूवेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिमूव करना डिफिकल्ट है, पूरी की पूरी डेफिनेशन ही चेंज करनी पड़ जाएगी, या तो इधर की या फिर इधर की, ठीक है, तो वो फंक्शन ही बदल जाएगा,
वहां क्या था, फंक्शन एक पॉइंट पे चेंज हो रहा था जो इजी था, बट यहां पे पूरा का पूरा फंक्शन बदलना पड़ जाएगा। तो इस वजह से हम इसको नॉन रिमूवेबल की कैटेगरी में डालते हैं। और ये जो बीच में गैप बनता है, ये वाला गैप, ये इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी जंप। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे डिसकंटिन्यूटी जंप पूछ सकता है। तो डिसकंटिन्यूटी जंप क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी जंप। बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखो कि डिसकंटिन्यूटी जंप हमें कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड में। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि एटलीस्ट वन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी ऐसा होना चाहिए। तो इसका केस देख लो, जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ y इक्वल टू वन बाई एक्स, ये फंक्शन है और हम देख रहे हैं एट x इक्वल टू जीरो। तो अगर y इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो आपको पता होगा ये हाइपरबोलिक फंक्शन बनता है, ऐसा हाइपरबोला बनता है यहाँ पे जीरो जीरो पे। आप देखोगे जीरो प्लस h करके देखोगे, यानी राइट हैंड लिमिट पे देखोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका राइट हैंड लिमिट है प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट साइड पे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं रिमूव होने वाला। सो दिस इज द केस ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एज वेल एज हम क्या देख रहे हैं, ये है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, तीन चार ऑप्शन देकर के ये सब पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस पे चलते हैं कि कुछ और डिसकंटिन्यूटीज ऐसी होती हैं जो हमने अभी जनरली नहीं देखी हैं, लेकिन अब मैं आपको उनको दिखाने वाला हूँ जो इसमें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, अलग से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो डिसकंटिन्यूटीज एक बार देख लेते हैं, वो कौन सी होती हैं। पॉइंट फंक्शन, सपोज यहाँ पे है हमारे पास पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन कैसा होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो किसी पॉइंट पे ही डिफाइन होगा। जैसे y इक्वल टू रूट ओवर x माइनस वन प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स, ये ले लिया फंक्शन। अब ध्यान से देखो ये फंक्शन कैसा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफाइन है। इसकी डोमेन निकालोगे तो x इक्वल टू वन ही आएगा। इसकी डोमेन देखोगे तो डोमेन में आएगा x इक्वल टू वन। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो भी दिखा देता हूँ। वो भी एक पॉइंट बन रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो x इक्वल टू वन पे ही एक वैल्यू आ जाएगी जीरो, सिर्फ एक पॉइंट बन गया। अब अगर ये पॉइंट बन गया तो ना तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है ना इसका राइट हैंड लिमिट है, तो ये वाला फंक्शन हम क्या बोलते हैं, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसे ही एक और आता है डिरिशलेट फंक्शन। डिरिशलेट फंक्शन के एग्जाम्पल कैसे होते हैं कि आपने देखे होंगे बहुत बार, मैंने बोल दिया सपोज प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ऐसे बहुत से फंक्शन बनते हैं। तो ये इसका तो ग्राफ भी नहीं प्लॉट कर पाओगे। ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। जेई में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आप देखोगे आपको ये पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैं देता हूँ कि जीरो और वन, तो जीरो और वन के बीच में जीरो पे वैल्यू वन लेगा, वन पे भी वैल्यू वन लेगा, लेकिन बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी हैं। तो ये ग्राफ ऊपर नीचे ऐसा जाएगा और क्लाउडी ग्राफ बनेगा। तो हम बोलते हैं दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही एक और फंक्शन आता है जिसमें ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी होती है। तो जैसे सपोज मैं दिखाता हूं y इक्वल टू साइन ऑफ 1 बाई एक्स का ग्राफ, और अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे चेक करके देखें तो ये फंक्शन होता है जहाँ पे ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी आती है। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं यार। पहले देखो ऐसे देखना, अगर मैं बोलता हूँ इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम जाते हैं x इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा होगा, ये वैल्यू बन जाएगा जीरो। साइन जीरो इज वॉट जीरो, ये हमें पता है। सो वेन x इज टेंडिंग टू जीरो वैल्यू इज जीरो, और जीरो के बाद साइन पाई बाई टू आता है। तो जब हम यहाँ पे टू अपॉन पाई रखेंगे वैल्यू, तो जब आप टू अपॉन पाई रखोगे तो ये साइन पाई बाई टू बन जाएगा, मतलब कि ये वन बन जाएगा। तो ग्राफ जब हम देख रहे होंगे तो ग्राफ यहाँ से कुछ ऐसा चल के आ रहा होगा, फिर पाई पे ही दोबारा जीरो होता है, यानी जब हम वन अपॉन पाई रखेंगे तो ये दोबारा से ऐसा जीरो हो जाएगा वन अपॉन पाई पे, फिर वो थ्री पाई बाई टू वाली कंडीशन रखोगे। तो अब जैसे जैसे ये ग्राफ इधर पास में जाता जा रहा है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा
ऐसा, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जाओगे जीरो की तरफ जाओगे तो बहुत फास्ट हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है कि हम बता नहीं सकते कि वैल्यू क्या है। हम ये तो बोल सकते हैं कि माइनस वन से प्लस वन के बीच में कुछ है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली वो नहीं बता सकते। इसलिए ऐसे केस में हम बोलते हैं दिस इज द केस ऑफ ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो ये दो तीन स्पेशल केसेस थे जो मुझे बताने थे, एंड होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो कमेंट सेक्शन में आओ, डाउट्स पूछो, जितने पूछोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं यार तो शेयर करो लोगों के साथ में, बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है। तो अब यार हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज थ्योरम्स ऑन कॉन्टीन्यूटी, या थ्योरम्स ऑन डिसकॉन्टीन्यूटी बोल सकते हैं उसको। तो क्या है ये, सबसे पहले देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस विच आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, पहला केस देख रहे हैं ये वाला, क्यों एफ एक्स और जी एक्स अगर दोनों ही कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए तो हम क्या बोलेंगे, देन एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स अगर लोगे तो ये भी कंटिन्यूस ही आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कर दो तो भी कंटिन्यूस आएगा, ये तीनों ही कंटिन्यूस आएंगे। एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, बट ये हमें याद रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कर दें कि k इंटू एफ एक्स किसी एफ एक्स में कोई कॉन्स्टेंट या जी एक्स में कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी कॉन्टीन्यूस ही आने वाला है, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें यूज़ होते हैं, किसी इंटरवल में अगर हमें कॉन्टीन्यूटी फाइंड करना होता है तो उसके लिए बहुत यूजफुल होती है थ्योरम। दूसरा केस, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ये याद रखना। पहला फंक्शन मैंने कॉन्टीन्यूस मतलब एफ एक्स को कॉन्टीन्यूस लिया और जी एक्स को डिसकंटिन्यूस लिया, मतलब ऐसे याद रखो कि कोई एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम बात करेंगे एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स की तो ये श्योरली डिसकंटिन्यूस ही आने वाले हैं। यहाँ पे आर डिसकंटिन्यूस मुझे पहले भी लिखना चाहिए था, यहाँ पे आर कॉन्टीन्यूस लिखना चाहिए था और यहाँ पे आर डिसकंटिन्यूस। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन श्योरली डिसकंटिन्यूस ही होगा। प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होता है, मतलब कि एफ एक्स इंटू जी एक्स भी अगर करोगे तो वो भी जनरली डिसकंटिन्यूस ही होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, इट कैन बी कंटिन्यूस इफ एफ ऑफ ए इज जीरो। अब इस पॉइंट को समझना यार बहुत जरूरी है, और जेई में एक बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना। जैसे अगर मैं एक फंक्शन ऐसे एच एक्स अज्यूम कर लेता हूं, उसे एफ एक्स इंटू जी एक्स इज एच एक्स, अब सोच के देखो ये कंटिन्यूस फंक्शन है और ये वाला डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अगर कंटिन्यूस फंक्शन जीरो हो गया, ये डिसकंटिन्यूस है तो मैं मान के चल रहा हूं कि एल एच एल अलग आएगा और आर एच एल अलग आने वाला है। अब ऐसे सोच के देखना कि इसके एल एच एल को मैंने कुछ ले लिया लैम्डा और आर एच एल को ले लिया है म्यू, जब हम लोग ओवरऑल एल एच एल फाइंड कर रहे होंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जीरो इंटू लैम्डा दैट इज जीरो। ओवरऑल आर एच एल फाइंड कर रहे होंगे तो ये तो फिर से जीरो मिलने वाला और ये क्या मिलेगा, म्यू दैट इज अगेन जीरो। तो एल एच एल एंड आर एच एल बोथ आर जीरो। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जहां पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है और इसी केस पे क्वेश्चन बन गया था, तो इसको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन वो बोल रहा है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए देन क्या होगा। अगर डिसकंटिन्यूस है तो क्या होगा, जनरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होंगे वो डिसकंटिन्यूस ही होंगे, जनरल कंडीशन है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिसकंटिन्यूस होंगे। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस ये है कि एट मोस्ट वन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एफ एक्स माइनस जी एक्स कैन बी कंटिन्यूस, मतलब कि दोनों में से सिर्फ एक ही कंटिन्यूस हो सकता है, दोनों एक साथ कंटिन्यूस नहीं हो सकते, दोनों में से सिर्फ एक ही कंटिन्यूस होगा, दोनों एक साथ कंटिन्यूस नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान रखना यार। क्या बताया मैंने, जनरली डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर
कंटिन्यूस हुआ तो दोनों में से कोई एक होगा, दूसरा नहीं होगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, अभी हमने क्या बोला कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखो अगर एफ एक्स के लिए तुम लेते हो तो एफ एक्स का जो एल एच एल है, सपोज वो मैंने ले लिया कि फंक्शन का वैल्यू प्लस सम कॉन्स्टेंट है लैम्डा वन, और उसका आर एच एल जो है दैट इज़ सम वैल्यू प्लस कुछ, मैंने ऐसा लिया है कि, या ऐसा बोल देते चलो इतना भी, क्योंकि एल एच एल आर एच एल पे जाने से अच्छा है मैं बोल रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू पे फंक्शन का वैल्यू एफ ए है और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो सपोज एफ ए प्लस लैम्डा है, कुछ ऐसा दिया हुआ। और इसी तरीके से जी एक्स के लिए जो वैल्यू है वो जी ए है और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है जी एक्स का वो सपोज कुछ जी ए प्लस म्यू है। अब ध्यान से समझो उस बात को, अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या आता है एफ ए प्लस जी ए प्लस लैम्डा प्लस म्यू, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा एफ ए माइनस जी ए प्लस लैम्डा माइनस म्यू, ऐसा आना चाहिए, ध्यान से सुनते जाना। अगर ऐड करेंगे तो एफ ए प्लस जी ए प्लस लैम्डा प्लस म्यू, तो देखो ऐड किया तो लैम्डा प्लस म्यू आ जाता है और सब्ट्रैक्ट किया तो लैम्डा माइनस म्यू आ जाता है, मतलब फंक्शन का वैल्यू तो आ ही रहा है प्लस कुछ कॉन्स्टेंट भी आ रहा है। अब लैम्डा प्लस म्यू एक जगह कॉन्स्टेंट आ रहा है और लैम्डा माइनस म्यू दूसरा कॉन्स्टेंट आ रहा है। अगर तुम लैम्डा माइनस म्यू को जीरो अज्यूम कर लेते हो कंटिन्यूस बनाने के लिए तो लैम्डा प्लस म्यू जीरो नहीं हो सकता, और अगर तुम लैम्डा प्लस म्यू को जीरो कर देते हो किसी दूसरे फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए तो लैम्डा माइनस म्यू जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम ऐसा मान के चले, सपोज मैं एक दो फंक्शन ले लेता हूँ, एक है पी एक्स दैट इज एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो जब तुम पी ए देखोगे तो पी ए क्या जाएगा एफ ए प्लस जी ए, और दूसरा मैंने ले लिया क्यू एक्स दैट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो जब हम क्यू ए देखेंगे तो क्यू ए क्या आ जाएगा एफ ए माइनस जी ए। अब पी एक्स और क्यू एक्स दो फंक्शन हमारे पास आ गए हैं, हमने वैल्यूज देख लिए, एक एफ ए प्लस जी ए दूसरा एफ ए माइनस जी ए। अब अगर हम यहां से देखेंगे, यहां से जो ऊपर हम बात कर रहे थे, तो लिमिटिंग वैल्यू अगर देखोगे तो आएगा एफ ए प्लस जी ए प्लस लैम्डा प्लस म्यू, और उधर आएगा एफ ए माइनस जी ए प्लस लैम्डा माइनस म्यू। तो अगर किसी एक को कंटिन्यूस बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली दूसरा वाला कंटिन्यूस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एक को कंटिन्यूस बनाने के लिए सपोज हम लैम्डा प्लस म्यू को जीरो करते हैं तो लैम्डा माइनस म्यू जीरो नहीं होगा, और अगर लैम्डा माइनस म्यू को जीरो करते हैं तो लैम्डा प्लस म्यू जीरो नहीं होगा। और ये श्योर सी बात है कि दोनों एक साथ जीरो नहीं हो पाएंगे, एक ही हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि एटमोस्ट वन कैन बी कंटिन्यूस, बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी कंटिन्यूस। एंड आई थिंक ये सबको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आकर के डाउट जरूर पूछो यार, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज द कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल देखते हैं, कुछ कुछ और एग्जाम्पल उससे रिलेटेड देखते हैं, यही लास्ट पार्ट है कॉन्टिन्यूटी का। तो कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल देखेंगे, कैसे ग्राफ्स होते हैं, कौन से ग्राफ कंटिन्यूस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, या उससे रिलेटेड और कुछ चीज़ें जो होंगी जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, वो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम लोग।